अपना इंट्रोडक्शन, कौन सा कॉलेज से डिप्लोमा किए हो, कौन सा कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है, कितना रैंक आया था, यह थोड़ा बेसिक डिटेल्स बता। मेरा नाम हर्ष सिंह है। मैंने डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बक्सर से किया है और अभी फिलहाल मैं GEC कैमूर में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से पढ़ रहा हूँ। मेरा BCCLE में UR 402 था एंड EWS 62 ओके रैंक था। तो बक्सर बोले ना अभी कॉलेज, जीपी, यस जीपी बक्सर तो कैमूर में ही चलता था ना, यस सर। अब शायद शिफ्ट हो गया होगा, राइट? हाँ भले सर, ही, हम अच्छा लोग के टाइम में शिफ्ट। तुम्हारे टाइम में ही शिफ्ट हो गया था। चलो तो तैयारी कैसे किए थे, पेड क्लास किए थे या फिर प्री क्लास किए थे? अच्छा सर फ्री क्लास भी किए थे लेकिन लास्ट मंथ में पेड क्लास भी लिए थे, MRS स्टडी वाला जो सर आप लॉन्च किए थे, क्रैश कोर्स। चलो, सबसे ज्यादा किस टॉपिक पे फोकस किए थे? मैथ्स, मैकेनिक्स और इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट में वन वन टॉपिक का नाम बताओ जिस पे तुम सबसे ज्यादा फोकस किए और उसे सर एग्जाम मैथ में में आया हो। फोकस किए थे, सर मैथ में फोकस किए थे वेक्टर कैलकुलस पे, क्योंकि वो इजी था थोड़ा सा। और मैट्रिक्स, ये दो टॉपिक मैथ में था। मैकेनिक्स में फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, इन दोनों चीज़ पे फोकस किए थे। और इंग्लिश में मतलब बस प्रीवियस ईयर किए थे और मतलब क्विज करते थे और आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे वो करते थे। जब आपने बोला कि फ्री क्लासेस स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे, तो फ्री क्लासेस में कहाँ कहाँ से आपने कंटेंट को इकट्ठा किया था? कंटेंट में सर इंग्लिश और मैकेनिक्स आपसे किए थे, जो आप पहले वीडियो डाल चुके थे और उस समय आप मैराथन करा रहे थे, मतलब एक एक घंटा का क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे, तो उससे किए थे। और फिर जो मैथ था वो डायमंड मैट्रिक से किए थे, हीरा लाल सर। ओके चलो, यहाँ पे आप हमें बताओ कि तैयारी कितने दिन पहले स्टार्ट किए थे लैटरल एंट्री एग्जाम से? तैयारी सर मतलब 3 मंथ पहले स्टार्ट किए थे, बट पूरी तरह से 3 मंथ नहीं कहेंगे, मतलब 3 मंथ से बस इंग्लिश देख रहे थे, लास्ट मंथ मंथ में ही मैथ और मैकेनिक पे ज़्यादा फोकस किया। तो सेमेस्टर एग्जाम के बाद या सेमेस्टर एग्जाम के दौरान? तो सेमेस्टर एग्जाम के दौरान बस इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किए थे क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर था। उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम के बाद मैथ और मैकेनिक्स पे किए थे। ओके तो आपको आइडिया हो गया होगा कि सेमेस्टर के साथ साथ हमें कैसे तैयारी करना है लैटरल एंट्री का। तो इस बार जो यस एग्जाम सर। देंगे जिनका सेमेस्टर है, क्योंकि अभी तो वे लोग फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर का शायद एग्जाम होगा फरवरी या मार्च में उन लोग का हो, तो उन लोगों को क्या यस सर। गाइड करना चाहते हैं कि कैसे उनको जो है तैयारी करना चाहिए सेमेस्टर के दौरान और कब स्टार्ट करना चाहिए सर तैयारी? सेमेस्टर सर जब मतलब जब आपका एग्जाम हो BCCLE का, उससे 3 या 4 मंथ पहले आप बस इंग्लिश शुरू में थोड़ा सा इंग्लिश कर लो। मतलब इंग्लिश में क्या है कि आप कुछ टॉपिक्स जैसे ये वन वर्ड वाला, प्रीपोजिशंस, फिर सिमिलीज, ये सब चीज़ें आप कर लो। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर करोगे, तो ये आपको आगे जाके मतलब एकदम एग्जाम तक आप पूरे तरह से कंफर्म हो जाओगे कि मेरा इंग्लिश सही है, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट में 2 मंथ बचेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम से लेके खत्म हो के लेके और एग्जाम तक 1 या 2 मंथ का समय मिलता है, उसमें आप मैकेनिक्स और मैथ के कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं जिसे हमेशा प्रीवियस ईयर में देखोगे तो क्वेश्चन पूछा है, तो बस आप उसी को फॉलो कर लो, आपको डेफिनेटली मतलब अच्छा रैंक आ जाएगा और कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। आपका सिविल ब्रांच आपको जो है मिला है कॉलेज में, तो सिविल ब्रांच का जो है बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से फाइट होता है कि 600-700 रैंक तक ही सिविल मिल पाता है। तो उन लोगों को अभी से यस सर। प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम पढ़ना होगा? अभी फिलहाल जब तक सेमेस्टर एग्जाम आपका खत्म नहीं होता है
तब तक आप अगर डेली में 2 घंटा निकाल लेते हो मतलब इंग्लिश के लिए, फिर या टेलीग्राम पे क्यूजेस चलते हैं, तो अगर आप क्यूजेस खेल लेते हो मतलब 2 घंटा अगर आप सेमेस्टर एग्जाम तक डेली निकाल लेते हो, तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है एग्जाम क्वालिफाई करने के। तो अभी से जो तैयारी करना चाहता है उसको आप क्या रिकमेंड कर सकते हो कि कोर्सेज परचेज करना चाहिए या फ्री में तैयारी करना चाहिए? सर मैं रिकमेंड करूंगा जैसा मतलब जिसको जैसा पसंद पड़े, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि फ्री कोर्सेज में थोड़ा सा आदमी पढ़ नहीं पाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन वहीं पेड कोर्सेज में आपको हर चीज स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है, तो आपको वहां पे आसानी पड़ता है, आपको खुद मेहनत नहीं करना पड़ता, आपको बस पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप मतलब आप अगर सक्षम है कि आप पेड कोर्स ले सकते हैं, तो डेफिनेटली मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप पेड कोर्स ले लें। आपने फ्री तैयारी किया तो आप कितना मेहनत किए थे फ्री जब आप पढ़ रहे थे उस समय? सर फ्री में सर मेहनत किए थे मतलब मैथ के कुछ टॉपिक्स देखे थे और मैकेनिक्स इंग्लिश इस सब में बस हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे सर, कंसेप्ट नहीं पढ़े थे, कंसेप्ट हम फीडबैक से ही पढ़े थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मैथ्स और मैकेनिक्स में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम में देखने को मिला था कि हाँ आया है? सर क्वेश्चंस सबसे ज्यादा तो डेफिनेटली वेक्टर कैलकुलस भी अच्छा खासा क्वेश्चन लेके गया था, और मैट्रिक्स से तो हमेशा फिक्स है कि 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा मिलता ही है मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। और सर कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी थे कैलकुलस के, इंटीग्रेशन के, जैसे डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस, फिर थ्योरम्स वेक्टर कैलकुलस के जो थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इस सब से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो यही सब कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक था जिससे मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन आता था, और उतना क्वेश्चन जो कर लेगा उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, आप कितने तो टॉपिक कुछ ना मैथ्स कुछ में क्या बोलोगे आता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस कि उसको अगर पढ़ लेगा तो उसका हो जाएगा मिनिमम टॉपिक? सर मिनिमम टॉपिक जैसे वेक्टर कैलकुलस पे अपना पूरा कमांड कर दो, वेक्टर कैलकुलस और मैट्रिक्स पे आपका डेफिनेटली है कि 10 से 12 क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। फिर आप कुछ टॉपिक्स जैसे इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन ये सब चीजें, वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस कर लोगे तो डेफिनेटली मतलब हम बोलेंगे कि 15 से 17 क्वेश्चन आपका बन जाएगा मैथ में। और मैकेनिक्स में हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन वर्क एनर्जी पावर अगर आप पढ़ लेते हो तो 5 से 7 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, तो अगर इतना 20 क्वेश्चन हो जाएगा तो सर इतना पे तो बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। और इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक उनको पढ़ना चाहिए? इंग्लिश में सिमिलीज पढ़ना चाहिए क्योंकि सिमिलीज में अब थोड़ा हम लोग के समय घुमा दिया था, घुमाया था कि हम लोग में पूछ दिया था कि इनकरेक्ट वन बताना था, उसी में बहुत सारा लड़का कंफ्यूज हो गया, उसने करेक्ट वन बता दिया, तो वैसे वो क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन जो हमेशा से याद करते हुए चलेगा ना उसको आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। जैसे सिमिलीज हो गया, फिर एनिमल्स मेल फीमेल जो याद करना होता है, फिर उस बेबी एनिमल्स के बेबी उनका नेम याद करना पड़ता है, और बस प्रीपोजिशन थोड़ा सा, और जो ये लास्ट वाला पोर्शन आपका जिसमें वॉयस काउंट करना रहता है और वो फोनेटिक्स सफिक्स फोनेटिक्स, हाँ फोनेटिक्स वाला, तो इससे मतलब आपका इजी से आप इंग्लिश क्वालिफाई कर जाओगे, और इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग करना था तो ज़्यादा उस पर फोकस वही टॉपिक्स पे किया जिससे मेरा क्वेश्चन बन जाए कि हम क्वालिफाई हो जाए। ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आपने मैथ्स मैकेनिक्स में बनाया होगा? सर मैथ मैकेनिक्स में अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 क्वेश्चन हम बनाए थे, मतलब मैथ्स में बेसिकली 15 से 17 क्वेश्चन बनाए थे, और मैकेनिक्स में भी 10 क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें और 5 क्वेश्चन जो था वो एक्स्ट्रा जो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछ दिया था, तो उसमें हमको कुछ याद नहीं था, हम सीधे रट के गए थे और वही लगा दिए। अच्छा, मतलब एकदम डाटा भी सेम टू सेम रहा था। यस सर, नहीं थ्योरी क्वेश्चन था वो सर। अच्छा, थ्योरी क्वेश्चंस था, फॉर्मूला बेस्ड होगा अगर फॉर्मूला वगैरह होगा यस या सर
इसका क्या होगा, लेंथ एल है या पी है, तो यस इस यस तरीके का ना। ओके चलो, अच्छा रहा आपका जर्नी यहाँ पे और मुझे भी अच्छा लगा। एक चीज और यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इसके बाद आपका क्या लक्ष्य है करने का? इसके बाद ऐसे डिप्लोमा के बाद आपने सोचा कि मैंने बीटेक हमें करना है, तो कुछ सोचकर ही किए होंगे कि हमें बीटेक क्यों करना है? यस सर, मेरा बेसिकली टारगेट है सर गेट गेट हो जाए, गेट और ईएससी, मतलब कोशिश है कि मतलब ईयर फाइनल होते होते हमारा गेट या फिर ईएससी कुछ में तो हो जाए। तो तैयारी में आप अभी से लगे हैं या फिर आगे सोच रहे हैं करने? सर अभी से कहीं लगना पड़ेगा क्योंकि गेट इतना इजी एग्जाम नहीं है। हाँ, इजी भी नहीं है, और दूसरी चीज की अब तो थर्ड ईयर से ही अलाउ कर दिया है गेट को, क्वालिफाई कर सकते हो आप, एग्जाम दे सकते हो। चलो, तो गेट भी आप चाह रहे हो करने के लिए, तो अभी कौन कौन से टॉपिक आप स्टार्ट किए हो गेट के अनुसार पढ़ाई कर? टारगेट के अनुसार बेसिकली जो मतलब जो हमारे सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं उसी को हम लोग जैसे जैसे सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स आएंगे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसको हाई लेवल तक पढ़ेंगे कि उसी समय मेरा वो चीज़ क्लियर हो जाए कि बाद में कोई बैकलॉग नहीं रहे। कॉलेज में कितने देर क्लास होता है? कॉलेज में मतलब 3 बजे तक क्लास होता है, लैब 2 बजे के बाद लैब होता है और उससे पहले थ्योरी क्लासेस। कौन कौन सा सब्जेक्ट का भी हो रहा है क्लासेस आपका? क्लासेस अभी आज तो सर्वेइंग का था और कैड का और लास्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, कैड और सर्वेइंग, ये 3 सब्जेक्ट्स हो रहा है अभी। सर्वेइंग यस ओके चलो, और अच्छा बेसिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब हो रहा है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब हो रहा है, और मैथ्स स्टार्ट हुआ है अभी कॉलेज में या नहीं? अभी नहीं सर अभी नहीं स्टार्ट हुआ। मैथ्स स्टार्ट नहीं हुआ है। चलो अच्छा है, आप अपना टाइम निकाले और अपनी चीजों को, अपनी बातों को, अपनी एक्सपीरियंस को यहाँ पे जो है शेयर किए। और एक बार और, यहाँ पे जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों को फाइनली आप एक कंक्लूजन आप बता दो कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या टाइम टेबल स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है उनके पास अप्रोक्सीमेटली मानकर चलिए कि 6 महीना तो अभी आराम से मिलने वाला है, क्योंकि अभी यस सर जनवरी ही है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई अगस्त में ही एग्जाम, लगभग 6 से 7 महीने उनके पास अभी टाइम है। तो इस ड्यूरेशन में क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, क्या सिलेबस फॉलो करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, आप अपने लेवल पे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बता दीजिए फाइनली, कि ऐसे अगर वो फॉलो करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 400 के आसपास बताया कि रैंक है, तो उनका भी इसके आसपास या थोड़ा बहुत आगे पीछे आए, ताकि अगर जो सिविल लेना चाहते हैं उनको सिविल, या जो भी ब्रांच वो लेना चाहते हैं उनको एक ठीक ठाक कॉलेज में मिल सके। सर बेसिकली हम कहेंगे कि जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है उस पर आप ज़्यादा फोकस करो फिलहाल के लिए, लेकिन हाँ आप दिन में तो 2 घंटा तो निकाल ही सकते हो जिसमें आप कम से कम इंग्लिश में कुछ याद कर लो और उसकी क्विज़ेस कर लो। और उसके बाद सर जैसे ही आपके सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म होंगे मैथ में कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं जिससे मतलब आप अगर प्रीवियस ईयर का अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ में कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं जिससे हर ईयर क्वेश्चन पूछा है और मतलब अगर उस टॉपिक को अगर आप कर लेते हो तो जाहिर सी बात है कि आपका 20 क्वेश्चन आराम से बनेगा ठीक। और मैकेनिक्स में सर ऐसा है कि आप मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, मैकेनिक्स में फ्रिक्शन और वर्क एनर्जी पावर और कुछ काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के क्वेश्चन इतने ही आपसे बनेंगे, नहीं तो और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है। मेरा ये ओपिनियन है कि आप मैकेनिक्स पे ज़्यादा फोकस मत करो, मैकेनिक्स में फ्रिक्शन वर्क एनर्जी पावर और काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स थोड़ा सा कर लो, इतना सा आपका 7-8 क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा फोकस आप मैथ पे रखो। ओके और आपने बोला कि क्यूज करें, बहुत सारे लोगों का क्वायरी रहता है कि क्यूज
टेलीग्राम पे हमें मिल नहीं रहा है, कैसे उसको फाइंड करें, इसका तरीका क्या है, या फिर अगर वो चाहे तो आपसे कैसे हेल्प ले सकते हैं? बहुत लोग मेरे से हेल्प अभी ले रहा है, जैसे कुछ मेरे जूनियर्स थे तो उन्होंने पूछा हमसे, जब हम सर्टिफिकेट या डिग्री डॉक्यूमेंट्स लेने अपने कॉलेज में गए थे, तो वहाँ पे भी मैंने बोला कि आप क्विजेस खेलो, तो क्विजेस के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, आप अगर चाहो तो टेलीग्राम पे बस सर्च करोगे या फिर सर भी कराएंगे क्विज जब समय आएगा, जब आपके एग्जाम्स नज़दीक आएंगे, और सर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते हैं, तो अगर आप वो भी करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हो जाएगा। ओके, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? ईमेल आईडी या टेलीग्राम आईडी कुछ है आपका, या इंस्टाग्राम आईडी जो यस सर, कि आप शेयर कर यस सकते हो? सर, यस सर, वो मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकता है, हर्ष सिंह से होगा टेलीग्राम, और नहीं तो फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो hush2004@gmail.com, आप इस पे भी हमको मेल कर सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू, आप अपना टाइम निकाले हमारे लिए। थैंक यू।